आज हम प्रश्न चार के कुछ बाकी भागों को हल करेंगे। प्रश्न था कि पहचानिए इनमें से कौन कौन से एपी हैं, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और तीन अगले पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें चौथे क्वेश्चन का पांचवा भाग है, एपी दी गई है 3, 3+√2, 3+2√2, 3+3√2। सार्वांतर निकालने के लिए हम दूसरे में से पहला पद माइनस करेंगे, a2 - a1। दूसरा पद है 3+√2, इसमें से हम माइनस कर देंगे पहला पद, तो 3 से 3 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा √2। इसी तरह से तीसरे पद से जब हम दूसरा पद माइनस करेंगे 3+2√2, इसमें से हम माइनस करेंगे दूसरा पद जो है 3+√2। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3+2√2 - 3 और -√2। 3 से 3 फिर कट जाएगा, 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो हमारे पास बच जाएगा √2। इसी प्रकार से चौथा पद है 3+3√2, इसमें से जब हम तीसरा पद माइनस करेंगे 3+2√2, तो इसमें भी 3+3√2 - 3 - 2√2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है इसलिए दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 3 से 3 फिर से कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया √2। आपने देखा इसमें अंतर √2, यहां भी √2, यहां भी √2, यानी कि सार्वांतर तीनों में एक जैसा आ रहा है, अतः हमारा डी हो गया √2। और इसके अगले पद होंगे 3+4√2, 3+5√2, 3+6√2, क्योंकि सभी में ही हम √2 √2 प्लस करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से भाग नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, इस प्रकार से हमारे पास एक एपी है। यदि इसके दूसरे पद 0.22 में से पहला पद 0.2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। यदि इसके तीसरे पद 0.222 में से दूसरा पद माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.002। और यदि इसके चौथे पद 0.2222 में से तीसरा पद 0.222 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0002। तो आप देख रहे हैं यहां पर अंतर बराबर नहीं आ रहा, अतः यह एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार से आठवां भाग है, हमें एपी दी गई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यदि ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस का निशान, और ये माइनस है क्योंकि अगले पद में भी माइनस है, तो -(-)(-1/2 + 1/2) हो गया 0। इसी प्रकार से जब ए थ्री में से ए टू माइनस करेंगे वो भी आएगा 0। अतः हम देख रहे हैं कि डी जो है वो 0 है, यानी कि सार्वांतर 0 का मतलब है जो प्रथम पद था वही दूसरा पद है, वही तीसरा पद है, वही चौथा पद है। डी 0 आ गया तो अगले पद भी होंगे -1/2, -1/2, -1/2। इसी प्रकार से दसवां भाग है, a2a 3a 4a। यदि a2 - a1 दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2a में से a के निकाला a। इसी प्रकार से तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करें वो भी आ जाएगा 3 में से 2 निकाला a के। चौथे पद से तीसरा पद माइनस करेंगे वो भी आ जाएगा 4a - 3a = a। तो आप देख रहे हैं तीनों ही जगह
हमारा जो डी है सार्वंतर है वो आया है ए। तो इस प्रकार से जो इसके अगले पद होंगे वो होंगे पांच ए, छ ए और सात ए।